सो गाइस, इसको मैंने वेयर किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग दी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मिरर वर्क दिया है इस पर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका फुल लुक। हे एवरीवन, सो टुडेज वीडियो इज रियली स्पेशल क्योंकि मैंने कुछ शॉपिंग की थी रिलायंस ट्रेंड से एथनिक वेयर एंड ट्रेडिशनल वेयर की, क्योंकि जैसे कि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैंने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। और एक मैंने मेरा जो बहुत ज़्यादा फेवरेट आउटफिट है ट्रेडिशनल वेयर, जो कि मैंने मथुरा टर्मिनल शोरूम से परचेस किया था, वो भी मैं इस वाली वीडियो में स्टाइल करूंगी पूरा। तो फिर एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन से सुंदर सुंदर से आउटफिट्स मैंने परचेस किए हैं, और एक जो सूट है वो मैंने कस्टमाइज कराया हुआ है, तो वो वाला सूट भी मैं इस वाले वीडियो में पूरा स्टाइल करूंगी आप लोगों के लिए। क्योंकि काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि ट्रेडिशनल वियर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए और उसको आप लोगों के साथ प्रेजेंट किया जाए, तो फाइनली लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो गाइज, हियर आर द आउटफिट्स जो मैंने ट्रेडिशनल वियर में परचेज किए हैं रिसेंटली, और फेस्टिव वियर चल रहा है सो ट्राई ऑन हॉल मैं इस वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को शो करती हूँ कि कौन कौन से सुंदर सुंदर से सूट मैंने परचेस किए हैं। और ये वाला जो सूट है इसकी तो ये तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है गाइस, क्योंकि ये मैंने परचेस किया है टर्मिनल मथुरा से। अगर आप लोग कभी मथुरा जाएँ तो आप लोग वहाँ पर टर्मिनल वाले शोरूम में ज़रूर विजिट करिए, उनके पास इतने सारे सुंदर सुंदर कलेक्शंस हैं कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वाला जो सूट है उसका तो ट्राई ऑन हॉल बनता ही है, तो फिर मैंने इसलिए इस वाले सूट को भी इसमें इंक्लूड किया है। बाकी मैंने जो ये सारे सूट्स हैं ये मैंने रिलायंस ट्रेंड से परचेज किए थे। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ कौन कौन से सुंदर सुंदर से सूट मैंने परचेज किए हैं। सो गाइस, नंबर वन पे जो सूट मैंने परचेज किया था वो मैंने कॉटन मटेरियल में परचेज किया था, और आप देख सकते हैं ये वाला सूट मैंने परचेज किया था। बेसिकली इसका जो टैग है वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि एक दिन मैंने सोचा था कि इस वाले सूट को वियर करते हैं, फिर मैंने अपना मूड चेंज कर दिया तो मैंने इसको वियर नहीं किया था। और ये वाला जो सूट है आप इसका डिटेलिंग देख सकते हैं यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है। इसको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो मटेरियल है वो कॉटन मटेरियल में है ये वाला, और जो इसके साथ दुपट्टा इसके साथ आया है वो शिफॉन में है बेसिकली। सो इसका जो नीचे पैंट है और जो सूट है वो कॉटन मटेरियल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है नाउ डेज, क्योंकि कॉटन के जो सूट्स होते हैं वो समर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी होते हैं, और आप उसको ऑफिस वेयर में या फिर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक कॉटन का सूट परचेज किया जाए। तो चलिए इसको देखते हैं कि कितना ज़्यादा इसका जो स्टाइल है, बेसिकली स्टाइल की बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो ब्रांड की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रंगरीति ब्रांड का मैंने परचेस किया है ये, और जो इसका साइज देख रहे हैं आप वो मैंने 34 साइज परचेस किया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी डिटेलिंग, तो ये जो डिटेलिंग यहाँ पे दी है इसकी नेक पे, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो कुछ फ्लावर डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें, जो कि वाइट और ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयड्री यहाँ पे दी हुई है, जो बहुत ज़्यादा एक अलग सा इसको एक चार्म दे रही है जो कि। और यहाँ पे स्लीव्स में अगर आप देखेंगे तो स्लीव्स में भी यहाँ पे जो डिटेलिंग दी है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और इसीलिए मैंने इसको परचेस किया था। बेसिकली इसका जो कॉम्बिनेशन दिया है पिंक वाइट एंड ग्रीन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको परचेस किया था। और अगर आप कॉटन के सूट्स वियर करते हैं तो आपको डिज़ाइंस काफ़ी सारी उसमें मिल जाएंगी, बट अगर आप डिटेलिंग की बात करेंगे और फिनिशिंग की बात करेंगे और क्वालिटी की बात करेंगे तो फिर ये जो रंगनीति ब्रांड का कॉटन का सूट है इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको परचेस किया था। सो बेसिकली प्राइस की बात करेंगे तो इसकी जो प्राइस थी गाइज वो 2800 रुपीज़ थी पूरे सेट की, तो बेसिकली इस पर 10-20% का ऑफ था, तो इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रेट फिट में आता है ये वाला जो सूट है। और इसके मटेरियल की बात करेंगे गाइस, तो मटेरियल तो इसका 100% कॉटन है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसको वियर नहीं किया है, बस जस्ट मैंने इसको ट्राई किया था, और आज मैं आप लोगों के लिए इस वाली वीडियो में इसको ट्राई ऑन हॉल बेसिकली इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने इसको वियर किया है, और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये मेरे ऊपर। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये सूट। और यहाँ पे चलिए इसके पैंट की बात कर लेते हैं, तो पैंट इसका आ जाता है यहाँ पे इस तरीके का कुछ, ये पैंट इसका आ जाता है। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन दी हुई है यहाँ पे, इसमें देखेंगे तो आप इसमें लीव्स एंड फ्लावर की डिज़ाइनिंग दी है, और यहाँ पे इसका जो पैंट है वो कुछ इसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक डिज़ाइन दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो पर इलास्टिक आ जाते हैं यहाँ पे। और ये भी जो इसका भी मटेरियल की बात करेंगे तो दोनों ही कॉटन मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो फिनिशिंग इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो आप लोग भी इस तरीके के काफ़ी सारे डिज़ाइन उसमें अवेलेबल थे वहाँ पे, मैंने काफ़ी सारे सूट्स ट्राई किए थे, और बेसिकली
वहां पे कुछ सूट्स में साइज अवेलेबल नहीं था, मुझे एक दो सूट और पसंद आए थे बट उसमें साइज अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये वाला परचेज किया था। और इसके दुपट्टे की बात करेंगे गाइस, सो इसका दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, शिफॉन में है बेसिकली, जो कि कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है डेली वेयर में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से इसके जो डिज़ाइनिंग दी हुई है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और सूट बेसिकली जो दुपट्टा है वो टू शेड्स में कॉन्ट्रास्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट पिंक एंड डार्क पिंक। सो सूट भी काफ़ी अच्छा है और इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सूट मैंने कौन सा परचेज किया। सो गाइज, नेक्स्ट जो सूट मैंने परचेज किया है वो बेसिकली मैंने कस्टमाइज कराया है पूरा, और मैंने कुर्ती परचेज की थी। एक कुर्ती मुझे वहां पे एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गई थी, जैसे ही मैंने उसको देखा था मेरा तो दिल आ गया था उस कुर्ती पे, तो मैंने तुरंत उसको परचेज कर लिया था। और वो भी रंगरीति ब्रांड की ही है और उसको मैंने बेसिकली कस्टमाइज किया है। तो मैंने उसका ये बॉटम भी रिलायंस ट्रेंड से परचेज किया था मैचिंग बना के इसका, और इसका जो दुपट्टा है वहां पर मैंने ट्राई किए थे काफी सारे दुपट्टे रिलायंस ट्रेंड्स में, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा था इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये वाला बेसिकली मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था दुपट्टा। एंड चलिए पहले बात कर लेते हैं इस कुर्ती की। तो मुझे बेसिकली ये जो कुर्ती थी वो एक नज़र में पसंद आ गई थी, और मुझे ये जो कुर्ती थी इसको कुर्ती की तरह वेयर नहीं करने का मन था, मैंने सोचा था इसको पूरा दुपट्टा एंड इसके बॉटम के साथ इसको स्टाइल करेंगे तो ये ज़्यादा प्रीटी लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो मटेरियल की बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो डिज़ाइनिंग दी हुई है, ये जो पूरा जो इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है और कॉम्बिनेशन जो दिया है ऑरेंज एंड मैजेंटा शेड का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, एक बार में मुझे पसंद आ गया था। और जो इसकी स्टाइलिंग पूरा दिया हुआ है इस पर, तो मेरा इतना दिल आ गया था गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये मैंने एक बार में ही परचेस कर लिया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी रंगरीति ब्रांड का ही है और साइज मैंने सेम साइज परचेज किया है 34। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेंशन है फेस्टिव एडिट, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी प्राइस, तो इसकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है 2299 रुपीज़ इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कम्फर्टेबल है, और बेसिकली ये वाला जो मटेरियल है वो शिफॉन है। तो फिर शिफॉन जो होता है, शिफॉन के जो सूट्स होते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं और बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। और स्टाइल अगर मैं इसको करूँगी तो ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रीटी लगने वाला है गाइस, क्योंकि मैजेंटा जो शेड है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा। और ये भी देखेंगे आप तो स्ट्रेट फिट है इसका भी, और इसको मैं स्टाइल करूँगी। तो बेसिकली ये वाला जो सूट है इसको आप किसी पार्टी में वेयर कर सकते हैं या फिर आप इसको किसी फेस्टिवल पे वेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है। और इसके साथ जो मैंने बॉटम वेयर सेलेक्ट किया था वो मैंने ये वाला परचेज किया था गाइस, सो आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है ये। बेसिकली ये वाला जो डिज़ाइन है वो सेमी अफगानी दिया हुआ है, स्ट्रेट पैंट नहीं है ये, तो ये भी मुझे कुछ डिफरेंट सा लगा था। और इसमें जो मल्टी शेड्स थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, सो इसलिए इसको मैंने परचेज किया था। इसके लिए इसके साथ जब मैंने इसको ट्राई किया था वहाँ पे ट्रायल रूम में, तो इसके साथ ये पूरा बिल्कुल एकदम मैच कर रहा था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने इसको कस्टमाइज कराया है अलग से, एकदम फुल सूट लग रहा था ये, तो इसलिए मैंने इसको तुरंत परचेज कर लिया था। और इसकी भी बात करेंगे आप प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस अगर आप देखें तो यहाँ पे 699 रुपीज़ इसकी प्राइस है, तो इस पर ऑफर था तो ये 599 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, तो ठीक है क्योंकि मुझे बेसिकली मैच चाहिए था। इसकी क्वालिटी की बात करेंगे आप तो ये आप ब्रांड देख सकते हैं कि फ्यूजन जो ब्रांड है, फ्यूजन ब्रांड के आप रिलायंस ट्रेंड में देख सकते हैं। और क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसको मुझे बेसिकली सूट जो वेयर करना था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए और एक लुक जो इसका पूरा सूट का लुक आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको तुरंत परचेज कर लिया था। फिर बात आती थी दुपट्टे की, तो दुपट्टा मुझे वहाँ पे नहीं पसंद आया था क्योंकि कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा था, काफ़ी सारे दुपट्टे थे। तो ये वाला जो दुपट्टा है ये मैंने परचेज़ किया, और ये वाला जो दुपट्टा है ये मुझे अराउंड 200 रुपीज़ का मिला था लोकल मार्केट में, तो ये वाला दुपट्टे से मैच कर रहा था इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया था। चलिए इस वाले सूट को भी स्टाइल किया मैंने, और आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कितना प्रिटी लग रहा है ये ऑलरेडी, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि नेक्स्ट सूट मैंने कौन सा परचेज़ किया। सो गाइज, नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया था रिलायंस ट्रेंड से एथनिक वेयर में, वो मैंने बेसिकली कुर्ती परचेस की थी और उसको मैंने इस बॉटम के साथ स्टाइल करने वाली हूँ मैं इस वाली वीडियो में। और आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि कितना प्रिटी लग रहा है ये वाला जो कुर्ती है। बेसिकली इस वाले ब्रांड की बात करेंगे तो ब्रांड ये भी फ्यूजन ब्रांड का है, और यहाँ पे अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं 1299 रुपीज़ की प्राइस थी। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग दिया था बेसिकली ए लाइन में है, ये स्ट्रेट फिट नहीं है, देख सकते हैं आप।
तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था इसका जो कॉम्बिनेशन, पिंक एंड ब्लैक में जो ये कॉम्बिनेशन दिया था मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। लिटिल मिरर वर्क दिया हुआ है इसमें जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और इसको जब मैंने ट्राई किया था गाइज तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसलिए इसको तुरंत परचेज कर लिया। गाइज इसके मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल इसका भी कॉटन है और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये, और स्लीवलेस कुर्ती है ये। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें स्लीव्स भी इंक्लूड है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक यहाँ पे पॉकेट आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है नाउ डेज, क्योंकि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो फिर उसमें पॉकेट्स वगैरह की यूज़फुल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो इसलिए इसमें पॉकेट दी गई है और सिंगल पॉकेट दी हुई है इसमें। और इसकी भी डिज़ाइन वगैरह मुझे अच्छी लगी थी डेली वेयर में, या फिर आप कभी कैजुअली भी कहीं जा रहे हैं तो उसमें आप इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है। और इसमें जो साइज़ मैंने परचेज़ किया है गाइज़ वो मैंने एस साइज़ परचेज़ किया है, और इसको मैं इस वाली लेगिंग के साथ स्टाइल करने वाली हूँ। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा इसका पूरा लुक। तो चलिए नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है ट्रेडिशनल वियर वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि मुझे मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और जितने भी आउटफिट्स मैंने आप लोगों को शो किए हैं इस वाली वीडियो में उन सब में मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट आउटफिट है वो, और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है वो, क्योंकि वो मुझे गिफ्ट किया था पापा ने और मैं गई थी वहाँ पर शॉपिंग करने, तो फाइनली वहाँ पे मुझे वो एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, तो फिर मैंने तुरंत उसको परचेस कर लिया था गाइज। तो चलिए उसको दिखाते हैं और स्टाइल करते हैं आप लोगों के लिए इस वाली वीडियो में। सो गाइज नेक्स्ट सूट जो है वो ये है, और ये मैंने टर्मिनल मथुरा से परचेस किया है। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वाले सूट को जस्ट मैंने वहाँ पे ट्राई किया था और मैंने परचेस कर लिया था। बेसिकली इन सारे सूट जो मैंने आप लोगों को शो किए हैं इस वाली वीडियो में उसमें से मैंने अभी तक एक भी वेयर नहीं किया है इस वाली वीडियो के लिए। मैंने इस वाले वीडियो में जस्ट मैंने स्टाइल किया है आप लोगों के लिए, ट्राई ऑन हॉल है ये, और ये वाला जो सूट है वो देख लीजिए आप लोग किस तरीके का आ जाता है। और इसका जो कलर की बात करेंगे, सबसे पहले कलर की बात करेंगे तो जो कलर इसका आ जाता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगा था। इसका ब्लू शेड एंड ब्लू एंड ये आप देख सकते हैं मैरून जो कॉम्बिनेशन दिया है वो एक अलग ही सा इसको स्टाइल दे रहा है, अलग सा लुक दे रहा है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस वाले सूट को। और बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ आ जाता है यहाँ पर। ये मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल ये खादी कॉटन में आ जाता है, और यहाँ पे जो इसकी स्लीव्स में डिटेलिंग दी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी पहनने के बाद। जब मैंने इसको ट्राई किया था तो बहुत ही अलग सा लुक आ रहा था इसका, जो कि एक एलिगेंट सा लुक दे रहा था इसको। और इसकी जो आप नेक लाइन की बात करेंगे, नेक पे जो डिज़ाइन दी हुई है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग सा लगा था, और इसलिए मैंने इसको तुरंत परचेस कर लिया। गाइस बात करेंगे इसकी एमआरपी की, तो इसकी एमआरपी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टैग है, ये 2699 रुपीज़ का पड़ा था, क्योंकि ये जो मटेरियल है खादी कॉटन, प्योर खादी मटेरियल है ये। और इसलिए जब मैंने इसको वियर किया था गाइस, सो इसकी आप डिटेलिंग देख सकते हैं जो इसमें फिनिशिंग दी है, और जो ये डिज़ाइन दी है ये कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस सूट को। रेड कलर की एंड मैरून कलर की एम्ब्रॉयडरी जो इस पर दी है वो काफ़ी, बेसिकली मैरून कलर की एम्ब्रॉयडरी जो इस पर दी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस सूट को। इस बात कर लेते हैं इसके बॉटम की, तो बॉटम में इसके साथ आ जाता है यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट पैंट जो कि सिंगल कलर में है ब्लू कलर में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कट आ जाता है स्टाइलिंग के लिए दिया है, जो कि पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और ये जो मटेरियल है वो बहुत कम्फर्टेबल है गाइज, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड में पॉकेट्स दी हुई हैं जिसमें आप कुछ कैरी कर सकते हैं, और ऑफिस वियर के लिए एंड आप कहीं भी फॉर्मल वियर में इसको वियर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और एलिगेंट लग रहा था ये वाला सूट जो मैंने वियर किया था, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है। और इसकी जो फिनिशिंग और क्वालिटी की बात करेंगे गाइस, सो आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी। सो आप लोग भी वहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हैं, सुंदर सुंदर से सूट्स एंड ट्रेडिशनल वियर, एथनिक वियर काफ़ी सारे कलेक्शन हैं, एंड वेस्टर्न वियर भी था उनके पास, बट मुझे ट्रेडिशनल वियर परचेस करना था तो मैंने वही एक्सप्लोर किया था, वही ट्राई किया था। और यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की। सो दुपट्टा भी इसका काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा आ जाता है, कुछ डिज़ाइनिंग इसमें दी है कुछ सुंदर सी, एंड मैरून एंड ब्लू शेड जो इसका है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसको। जब ये दुपट्टा जो आप देख रहे हैं प्रिंटेड जो दुपट्टा है, जब मैंने इसको वियर किया था गाइस, तो इतना प्रिटी लग रहा था। ये फुल साइज दुपट्टा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में ये कितना जो डिज़ाइन दिए कितना प्रिटी लग रहा है ये। तो ये था गाइज सूट, और इन सारे सूट्स में से जो मैंने आपको शो किए हैं इस वाली वीडियो में बेसिकली ट्रेडिशनल एंड एथनिक वियर। सो आप लोगों को कौन सा सूट सबसे ज़्यादा प्रिटी लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और आप लोग के पास कौन सा सूट इसमें से है अगर
आपने भी शॉपिंग की है रिलायंस ट्रेंड से, सो मे भी आपके पास वो सूट हो सकता है, तो आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आई विल बी रियली हैप्पी टू सी योर कमेंट्स ऑन माई चैनल। एंड ये वाली जो वीडियो है ट्रेडिशनल वियर की, काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ट्रेडिशनल वियर की आउटफिट की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना था मुझे, तो फाइनली ये वाली वीडियो आप लोगों के सामने है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से आउटफिट कैसे लगे और आपका एक्सपीरियंस बताइए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। सो गाइज लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। मैंने और भी शॉपिंग की थी एथनिक एंड ट्रेडिशनल वियर की, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उन सारे आउटफिट्स को भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, उसका ट्राई एंड हॉल लेके आऊं आप लोगों के लिए, तो आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। और ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसे लगी और जो मैंने आउटफिट शो किए हैं आप लोगों को ट्रेडिशनल आउटफिट्स, वो आप लोगों को कैसे लगे, तो वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे रॉकिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।